पता है कि चैप्टर 4 क्लास 10 का 4.1 एक्सरसाइज जो चेक द वेदर फ्लोइंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे चेक करते हैं, तो कहने का मतलब इसमें है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कैसे चेक करते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका फॉर्म्स क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म्स है क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए जो है इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो है इसको हमको चेक करना है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री का क्या लिखा है ए, तो चेक करना था हमको इस फॉर्म में लाना है। कौन सा फॉर्म में लाना है, हमको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो पहले ये क्या है, ए मान लीजिए x प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। तो ए इसको मान ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस पार्ट को तो तोड़ सकते हैं, इस पार्ट में लिखिए क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, तो टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू थ्री, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू, यहाँ हो गया टू एक्स माइनस सिक्स, कोई दिक्कत। अब इस फॉर्म को इस साइड ले जाए, क्या हमको ऊपर वाला इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म को लेकर आए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब टू एक्स इधर आया टू एक्स, तो टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल, प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया जीरो, प्लस वन क्या हुआ माइनस, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा सेवन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स सेवन इक्वल टू जीरो, दिस इज हो सकता है तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा तो सेवन लिख सकते हैं सॉल्व किए तो। अब इसको इधर जाएगा तो माइनस सेवन, तो एक्स स्क्वायर तो इसमें आ जाएगा पुट अंडर माइनस सेवन कर सकते हैं। तो मगर यह जो है आपका क्या है ये पार्ट, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस फॉर्म में मेरा आ गया है, कोई दिक्कत, ठीक है, थैंक यू।